हेलो गरिमा, जन्माष्टमी आ रही है। कुछ तैयारी की है, नहीं की है? हेलो, तैयारी की है ना? ये देखो, ढेर सारी तैयारी करके रखी है जन्माष्टमी के नाम की। और आज मैं बना रही हूँ दो दो रेसिपीज, एक तो कान्हा को भोग लगाने के लिए और दूसरा कान्हा की मैया को भोग लगाने के लिए। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जन्माष्टमी स्पेशल में दो बहुत ही टेस्टी रेसिपीज लेकर आई हूँ। पवित्र डिवाइन रेसिपी बोलते हैं, जो कि कान्हा को भोग लगा सकते हैं और कान्हा की मैया को भी भोग लगा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से दोनों की रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो हम बनाएंगे आज सौठ अजवाइन की पंजीरी, साथ ही माखन मिश्री का भोग। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी सौठ अजवाइन की पंजीरी, और इसके लिए हमें चाहिए होगा देसी घी। और देसी घी को यहाँ पर कढ़ाई में डालकर पहले जो है हल्का सा गरम कर लेंगे। और देसी घी जब हल्का सा ही गरम हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं गरम करेंगे, तब हम यहाँ पर कटे हुए कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने डाले हैं कटे हुए काजू, साथ ही हम डालेंगे कटे हुए बादाम, ये है कटा हुआ नारियल, और ये है मखाने। इन्हें आप मिक्सी में भी क्रश कर सकते हैं, मैंने इन्हें नाइफ से काट लिया है। तो यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम देसी घी में इनको हल्के हल्के फ्लेम पर और रोस्ट कर लेंगे। इन ड्राई फ्रूट्स को मैं यहाँ पर भून रही हूँ एकदम सिम फ्लेम पर। और इसी टाइम पर हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़े से किशमिश। और ड्राई फ्रूट आप कोई सा और भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ छुहारे वगैरह भी काट कर डाल सकते हैं। और ड्राई फ्रूट को इस तरह से काट कर डालें, या फिर मिक्सी में आप चाहें तो हल्का सा क्रश करके भी डाल सकते हैं। और सिम फ्लेम पर ड्राई फ्रूट को हम तब तक अच्छे से भून लेंगे जब तक ये हल्के हल्के से क्रिस्पी ना होने लगें। तो अभी यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अच्छे से ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लिया है, और किशमिश भी जो है हल्की हल्की फूली हुई दिख रही है, साथ ही काजू भी हल्के से रेड होने लगे हैं। तो अब मैं यहाँ पर गैस को बंद करूँगी और इन ड्राई फ्रूट्स को हम निकाल लेंगे किसी प्लेट में और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और अभी यहाँ पर वापस से मैंने गैस को ऑन कर लिया है, ड्राई फ्रूट्स को साइड कर दिया था, और वापस से मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी, क्योंकि मैंने पहले जो देसी घी डाली थी वो सभी कुछ ड्राई फ्रूट्स में अच्छे से मिक्स हो गया था। और यहाँ पर घी को वापस से मैं थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ। और अभी यहाँ पर घी जब गर्म हो गया, तब मैंने यहाँ पर ली है, मैं आपको बता दूँ कि ये है पिसी हुई अजवाइन। अजवाइन को मैंने मिक्सी में चला लिया है, और ये थोड़े दरदरे से ही हैं, एकदम पाउडर नहीं किया है। आप चाहें तो खड़े अजवाइन का भी पंजीरी बना सकते हैं, पर जो ये इस तरह की पिसी हुई अजवाइन है उसकी पंजीरी बहुत ही अच्छी बनती है। और इसे धीमी आँच पर लगातार चलाते हुए भूनें। और आपने देखा कि मैंने ड्राई फ्रूट्स कितने ज़्यादा लिए और अजवाइन थोड़ी सी ली। उसका रीज़न यही है कि अजवाइन थोड़ी सी खाने में कड़वी होती है, तो इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ जो है खाते हैं। इस तरह की पंजीरी जब बनती है और जब बच्चा होता है माँ को, तो 6 दिन तक इसी का जो है खाना देते हैं, उसे अनाज नहीं देते हैं। तो इस वजह से जो है देवकी मैया के लिए ये भोग का प्रसाद मैं बना रही हूँ 6ठी के दिन तक खाने के लिए। तो इस तरीके से बनाकर आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। और अभी अजवाइन जो है भुन गई है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे, मुश्किल से ये 15 से 20 सेकंड भुना है। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सौठ का पाउडर, जिसे कि ड्राई जिंजर पाउडर भी बोलते हैं, और इसे भी इसके साथ ही चला लेंगे। इसे भी हम बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे। और अब टाइम है इसमें डालने का नारियल का पाउडर। तो थोड़ा सा मैंने खड़ा नारियल लिया था, और थोड़ा सा मैंने पाउडर वाला लिया है। आप चाहें तो नारियल को क्रश करके भी डाल सकते हैं। और चलिए इन तीनों चीज़ों को सिम फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेते हैं 15-20 सेकंड के लिए। और अभी यहाँ पर इस टाइम पर जो है अजवाइन, सौठ और नारियल का जो पाउडर है, वो सभी कुछ काफ़ी अच्छे से भून चुके हैं। तो मैं यहाँ पर गैस को करूँगी बंद, और इस मिक्सचर को किसी प्लेट में निकाल लेंगे, अच्छे से ठंडा करेंगे। उसके बाद से जो है इसमें हम जो बूरा या चीनी, जो भी आप मिक्स करना चाहें वो मिक्स करेंगे। तो चलिए इसे मैं पहले प्लेट में निकाल लेती हूँ। और अभी जब तक हमारी ये अजवाइन और सौठ ये सब कुछ अच्छे से ठंडे हो रहे हैं, तब तक चलिए हम माखन मिश्री का भोग बना लेते हैं। और माखन मिश्री का भोग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पूरे 1 दिन की फ्रेश मलाई ले ली है। और जो भोग लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों का नहीं लगाते हैं, तो मैंने यहाँ पर एकदम फ्रेश वाली मलाई ली है, और ये फ्रिज में रखी थी। तो चलिए इसे जो है फेंटना शुरू करेंगे। और माखन मिश्री बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस तरीके से अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, तो आप डेली बनाकर उनको भोग भी लगा सकते हैं। और अगर मलाई आपने नॉर्मल रखी है तो फेंटने में थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। मैंने अभी फ्रिज से निकाली है, तो इसे फेंटने में लगभग 1 मिनट लग जाएंगे। तो अभी यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो मलाई है वो काफ़ी अच्छे से फिट चुकी है।
एकदम इसका बटर बन चुका है। इतना ही हमें इसे फेंटना था और लगभग इसे फेंटने में एक मिनट का टाइम लगा है। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें पानी डालकर इसका छाछ निकाल लेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं सारा मक्खन जो है काफ़ी अच्छे से ऊपर आ चुका है, और इस तरह से धुलते हैं तो छाछ अलग हो जाती है, मक्खन अलग हो जाता है। तो इसे मैं छान लेती हूँ, इसी बर्तन में डाल देती हूँ। आप चाहें तो किसी छन्ने का भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी यहाँ पर मैंने सेकेंड टाइम में पानी डाला है, और छाछ कभी कभी क्या होती है कि पानी में ऐसे मिक्स हो जाती है, और इसे दो तीन बार अच्छे से चम्मच से चला देते हैं तो वापस से इसका बटर अलग हो जाता है। तो चलिए इसे पहले फेंट लेती हूँ। और अभी देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं इसको पानी के साथ फेंटती रही हूँ तो मक्खन जो है अलग होकर ऊपर तैरने लगा है। इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हम मक्खन को अच्छे से निकाल लेते हैं। और अभी पानी अलग है और मक्खन अलग हो चुका है, तो यही असली मक्खन होता है जो हम लोग मलाई से निकालते हैं। तो चलिए ये वाला पानी मैं छान कर और मक्खन को अलग कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं मक्खन जो है तैर कर ऊपर आ गया है, और इस तरीके से कितना बढ़िया सा गोला बन गया है इस मक्खन का। तो इसे मैं यूँ ही स्पून से ही बाहर निकाल लेती हूँ और यहाँ रख देती हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं इतनी मलाई से इतना मक्खन बनकर तैयार हुआ है, और इसे अच्छे से छान लिया है पानी से। इसे मैं क्या करूँगी, एक बार फ्रिज में रख देती हूँ। और चलिए अब पंजीरी बाकी का जो काम बचा है वो कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर इस अजवाइन में ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स कर लेते हैं, और पंजीरी बनाते समय ध्यान रखें कि ड्राई फ्रूट्स और अजवाइन ये सभी कुछ अच्छे से ठंडे हो जाने चाहिए। और अब इसके बाद इसमें जाएगा चीनी का बूरा, या फिर आप चीनी को पीस कर पाउडर भी बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पर चीनी ज़्यादा ली है, उसका रीज़न यही है कि जो अजवाइन होती है वो थोड़ी कड़वी होती है खाने में, साथ ही हमने सौंठ भी डाला है, तो इन दोनों चीज़ों की वजह से इसमें जो है मिठास हमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर चीनी जो है ज़्यादा ले रही हूँ, तो जितने ड्राई फ्रूट हों उतने ही आप जो है चीनी ले लें, तभी इस पंजीरी का स्वाद आएगा। और चलिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया, चीनी को मिक्स कर लिया है, और आप देख सकते हैं सोठ अजवाइन की बढ़िया सी पंजीरी बनकर तैयार है। एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो सोठ हमने डाली है, सोठ बहुत थोड़ी सी डाली है, और कभी कभी क्या होता है सोठ ज़्यादा डालते हैं तो जचा को जो है नुकसान कर सकता है, इसलिए सोठ की मात्रा कम रखें, अजवाइन की मात्रा ज़्यादा रखें। तो यही रीज़न था सोठ कम डालने का। तो चलिए अब भोग लगाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमारी सोठ अजवाइन की पंजीरी, साथ ही माखन और मिश्री सब बनकर तैयार है। माखन में आप चाहें तो ऊपर से इस तरह से मिश्री डाल दें, जो कान्हा को बहुत ही प्रिय है, तो माखन मिश्री का भोग है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी के पत्ते ज़रूर डालें। तो यहाँ पर मैंने भी तुलसी के पत्ते तैयार रखे हैं भोग के लिए। तो आपको दोस्तों आज का ये भोग का प्रसाद कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और जन्माष्टमी भोग का प्रसाद अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। फिर मिलूंगी अपनी नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।